दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेडिकल ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुराम डीएस सस्पेंशन के बारे में, आपको जानकारी देंगे। ये एक बहुत ही शानदार सिरप है, बच्चों में एंटीबायोटिक सिरप है, इस्तेमाल किया जाता है और ओकनेट इसको बनाती है। जैसे कि आपको पता है कि मैं सभी जो भी दवाई का रिव्यू करता हूं तो उसके बारे में, उसकी कंपनी के बारे में जरूर आपको बताता हूं कि एक जेनरिक ब्रांड है, ये एथिकल ब्रांड है। तो ये जो कंपनी है दोस्तों, ये किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है दवाई के साथ में, और ये अच्छा ब्रांड है, बेहतरीन दवाई बनाती है। दोस्तों जो जेनरिक कंपनी होती है मैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देता हूँ कि ये एक जेनरिक ब्रांड है, ये एक हल्की कंपनी है, तो सब मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ इस तरह की। सबसे पहले जानेंगे इसके कंटेंट के बारे में। इसके अंदर जो है दोस्तों एमोक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट जो है 400 mg में है इसके अंदर। इसके अलावा क्लेवेनेट एसिड जो है 57 mg में इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि इन वीडियो में इसकी टेबलेट भी आपको मार्केट में मिलती है 625 के नाम से जो है वो। तो 500 mg एमोक्सिलिन होता है, वो कैप्सूल होता है, मोक्स का जो कैप्सूल होता है उस तरह के, वही एक 100 mg वही साल्ट है इसका। और जो है इसके अलावा इसके अंदर क्लेवेनेट लगाया गया। आपको पता है क्लेवेनेट कब लगाया जाता है, बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है तो वो बार बार वो पनप जाता है, बार बार होता रहता है दोबारा, तो इसको खत्म करने के लिए क्लेवेनेट लगाया जाता है ताकि उसे बूस्ट कर सके। तो एमोक्सिलिन को ये बूस्ट करता है, अपने आप से जो क्लेवेनेट है ना, जो क्लेवेनेट एसिड है ये अपने आप से कोई एंटीबायोटिक नहीं है, सिर्फ ये बूस्ट करने के लिए लगाया जाता है। तो आपके सामने ये सिरप है, आप देख सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। इस तरह का कांच की बोतल में ये पाउडर फॉर्म में मिलता है, और ये पाउडर के अंदर ये लिक्विड जो वाटर है ये डाला जाता है, इसको अच्छे से मिक्स किया जाता है, तब इसकी बच्चों को दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इसके उपयोग के बारे में। कम्युनिटी एक्यूरेट निमोनिया जो होता है उसमें से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कान का जो इन्फेक्शन है उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आंखों का जो इन्फेक्शन है उसमें से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दांत का इन्फेक्शन है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोंकाइटिस एक बीमारी है, फेफड़ों की परेशानी, फेफड़ों में सूजन आ जाती है लगातार खांसी निमोनिया रहने की वजह से बच्चों में, बड़ों में भी दिक्कत होती है, तो उसमें भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब में जो इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब बार बार आने को होता है, या कहीं तरह की यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में दिक्कतें होती है, उसमें भी इसे काम में लाया जाए। घाव को सुखाने के लिए एक बेहतरीन दवाई है ये साल्ट जो है, घाव को सुखाने में बहुत ही बेहतरीन काम करता है। टांके जो लगे हो उसमें भी बेहतरीन काम करता है, या किसी भी तरह की सर्जरी उसे सुखाने के लिए एक बेहतरीन दवाई इसको माना जाता है। इसके अलावा किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत ये एक एंटीबायोटिक है, और एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है, और बहुत ही अच्छा ये बीमारियों में काम करता है। तो दोस्तों मेन जो इसका जो जहां तक बच्चों में इसे इस्तेमाल करने की बात है, तो बुखार में, निमोनिया में और नजले खांसी में, इस तरह की दिक्कतों में इसे एंटी कोल्ड वगैरह जो सिरप होते हैं उसके साथ में इस्तेमाल कराया जाता है। तो इसके साथ में एक ये जो आती है, इसके अंदर पूरा डिटेल में इसके बारे में जानकारी होती है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं, पूरी जानकारी इसे भी ले सकते हैं। तो बात आती कुछ इसके साइड कॉमन जो साइड इफेक्ट उसके बारे में आपको बताता हूँ। सिर दर्द, मतली, वोमिटिंग, नौजा, और इसके अलावा डिजीनेस, स्किन रेसेज, इस तरह की जो परेशानी इसमें हो सकती है। प्राइस की बात करता हूँ तो 126 रुपये में मार्केट में आपको मिल जाता है 457 mg में जो है, इससे कम एमजी में भी आपको मिलता है, जो छोटे बच्चों में इस्तेमाल कराया जाता है। दोस्तों अब बारी आती है डोज के बारे में। अगर मैं डोज के बारे में बात करता हूँ तो 20 मिलीग्राम एमोक्सिलिन और 5 मिलीग्राम क्लेवेनेट एसिड 1 kg पर डे के हिसाब से, या 60 मिलीग्राम तक इसे बढ़ाकर जो है डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, बच्चों की उनकी एज और उनके वजन के अकॉर्डिंग इसे दिया जाता है। तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके तभी से इस्तेमाल करें, अपनी मर्जी से आप इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल न कर सकें, नहीं तो आपके बच्चों के इधर के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों जाना आपने कुराम डीएस सिरप के बारे में सब कुछ। वीडियो हमारा पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नई वीडियो देखने हमारे चैनल मेडिकल ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।